बिल्कुल आपने सही कहा और तस्वीरें भी आपने दिखाई, बने रही आप हमारे साथ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं नीतीश, तस्वीरें दिखाइए वाराणसी में क्या रौनक है, और दुर्गा कुंड में तो आज अलग ही महत्व होता है माँ के दर्शन करने का। माफी चाहूंगा, इस वक्त मैं बनारस से दूरी पर मिर्जापुर जिले के विंध्य धाम में मौजूद हूँ और तस्वीरें आपके सामने, आप देखें चारों तरफ आपको आस्था का समंदर यहाँ पर उमड़ा हुआ दिखाई देगा। और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जो भक्तों का रेला है वो उमड़ा हुआ है। आप देखिए भक्त माता की एक झलक पाने को आतुर दिख रहे हैं। माता की चार बार यहाँ पर श्रृंगार होते हैं और हर बार कहा जाता है कि माता का जब श्रृंगार होता है तो माँ अलग रूप में दिखाई देती हैं। पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, हर कोई अगर नवरात्र का मौका हो तो पहले दिन माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलता। तो हमारे साथ पुरोहित भी मौजूद हैं। तो माता का श्रृंगार कितनी बार होता है और खास तौर पे जब नवरात्र के प्रथम दिन का मौका होता है तो दर्शन में कितनी लोगों की कहे कि आस्था होती है और क्या होती है? जी यहाँ पे बहुत ही चार बार श्रृंगार होता है, चार बार माँ का अलग अलग रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। काफी यहाँ भक्तजनों आप देख ही रहे हैं जैसा कि, और बहुत ही अद्भुत यहाँ पे होता है, जो भी होता है ऑसम होता है। विशेष जरा सा ये भक्तों की भीड़ भी दिखाएं, आप देखिए ये भक्तों का उत्साह किस तरह से, ये भक्त कतार में लग के माँ के दर्शन करने। भक्तों का उत्साह बहुत है, मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से और आगरा से भी बने हुए, लेकिन सनुज पहले आपके पास आएंगे। मेरठ की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। देखिए चैत्र नवरात्र का आज से प्रारंभ हो गया है और मैं मेरठ के सिद्धपीठ ऐतिहासिक मनसा देवी मंदिर में खड़ा हुआ हूँ जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एबीपी के दर्शक भी देख सकते हैं और माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं, उनसे अपनी मन्नत मांग सकते हैं और कहते हैं कि माँ मनसा देवी के दर पर जिसने भी माथा टेका है उसकी सभी मनोकामनाएं माता ने पूरी कर दी है। ये सिद्धपीठ ऐतिहासिक मंदिर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मरघट वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अगर हम 100-150 साल पुरानी बात करें तो उससे पहले चारों तरफ यहाँ शमशान हुआ करते थे और शमशान के बीच में माता का ये मंदिर हुआ करता था। दिन में भी लोग यहाँ आने से डरते थे लेकिन धीरे धीरे माता की कृपा होती चली गई और उसके बाद यहाँ आप देखिए कि विशाल मंदिर ने रूप ले लिया और अब यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है, कतारें लगी हुई हैं और कहते हैं कि जो माँ से मांगा जाता है, मनसा देवी इसीलिए उनका नाम है कि मन में जो भी मंशा है वो आप माँ से मांग सकते हैं, आपकी सब मंशा मनसा देवी माता पूरी करेंगी। आप देखिए कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और बिल्कुल यहाँ दंडवत होकर भी माँ को प्रणाम करते हैं, कोई खाली हाथ माता के दर से नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ इस मंदिर के लिए ये कहा जाता है कि तमाम मंदिरों में जब आप जाएंगे आस्था में लीन हो जाएंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि जब आप मंदिर में आए तो आंखें खोलकर माता के दर्शन करें, आंखें खोलकर माता से मांगे, जो भी अपने दिल की बात है वो माता से कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं जो माता है वो पूर्ण करेगी। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं और मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु कतारों में लगे हुए होते हैं, जो दर्शन करने के बाद सीधे फिर मंदिर के बाहर आते हैं और यहाँ आकर दीप जलाते हैं। यहाँ पर आपके पास तस्वीरें आपने दिखाई मेरठ से, लेकिन आगरा की तस्वीर भी देख लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े।